कार बाजार में अप्रैल महीने में कई नई कारें लॉन्च होने वाली है। इनमें से कुछ कारों का तो लॉन्च कंफर्म है, वहीं कई गाड़ियों के इस महीने आने की संभावनाएं जताई जा रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2022 में अपकमिंग कारों के बारे में कि अप्रैल महीने में कौन कौन सी कारें लॉन्च होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त मित्र सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन सभी कारों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है होंडा सिटी EHEV, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 18 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू हो सकती है। इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, क्योंकि ये इस सेगमेंट की सबसे पहली कार है। इंडिया की पहली मास मार्केट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार होंडा सिटी होगी, जिसे इस महीने 14 अप्रैल को पेश किया जाएगा। इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसका संयुक्त माइलेज करीब 30 किलोमीटर पर लीटर होगा। सिटी हाइब्रिड इसके टॉप मॉडल पर बेस्ड हो सकती है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी और कंफर्ट फीचर दिए जा सकते हैं। होंडा सिटी हाइब्रिड से अप्रैल के मिड में पर्दा उठेगा, जबकि इसे अप्रैल के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर है फेसलिफ्ट मारुति आर्टिगा और XL6। एक्सपेक्टेड प्राइस 8.5 लाख रुपए से शुरू। इसका कंपैरिजन किया कैरन से होने वाला है। मारुति की MPV कार को जल्द ही अपडेट मिलने वाला है। हाल ही में इनके 2022 वर्जन को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जिनके फ्रंट और रियर में कई कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं। इंटीरियर में नई थीम और नई अपहोल्स्ट्री दी जा सकती है। अपडेटेड MPV में क्रूज कंट्रोल, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन दिया जा सकता है। XL6 में भी अर्टिगा वाले ये नए फीचर दिए जाएंगे। तीसरे नंबर पर है फॉक्सवैगन पोलो स्पेशल एडिशन। एक्सपेक्टेड प्राइस 9.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। इसका कंपैरिजन हुंडई i20 और टाटा अल्ट्रोस से होगा। फॉक्सवैगन जल्द ही 5वीं जनरेशन की पोलो को बंद करने वाली है, और आखिरी अपडेट के तौर पर अप्रैल में इसका एक स्पेशल एडिशन मॉडल यहाँ पर उतारेगी। स्पेशल एडिशन पोलो में कई कॉस्मेटिक अपडेट, जिनमें बॉडी ग्राफिक्स, नया पेंट, स्पेशल एडिशन बैजिंग और नए एलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। इसे केवल 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में पेश किया जा सकता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिल सकती है। चौथे नंबर पर है मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लेंजा CNG। एक्सपेक्टेड प्राइस 8,20,000 रुपये एक्स शोरूम। इसका कंपेरिजन किसी के साथ नहीं। मारुति बलेनो को हाल ही में नया अपडेट मिला है, लेकिन अभी भी इसमें एक अपडेट मिलना बाकी है। जल्द ही कंपनी इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री फिटेड CNG का ऑप्शन शामिल करने वाली है। दूसरी CNG कारों की तरह इसे भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जाएगा। इसका मिड वेरिएंट डेल्टा और जेटा पर बेस्ड CNG वर्जन पेश किया जा सकता है, जिसकी प्राइस पेट्रोल मैनुअल मॉडल से करीब 1,00,000 रुपये ज़्यादा हो सकती है। अगर बलेनो का CNG वेरिएंट आता है तो फिर टोयोटा ग्लेंजा को भी ये अपडेट दिया जाएगा। इन दोनों के CNG मॉडल को अप्रैल में पेश किया जा सकता है। पांचवें नंबर पर है हुंडई ट्यूसॉन। एक्सपेक्टेड प्राइस 25,00,000 रुपये एक्स शोरूम। इसका कंपेरिजन जीप कंपास, सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस, फॉक्सवैगन टाइगन से होगा। फेसलिफ्ट हुंडई ट्यूसॉन को इंडिया में अब तक कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसे इस महीने लॉन्च किया जा सकता है। इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर नया होगा। इंडिया में ये हुंडई की पहली कार होगी जिसमें ADS टेक्नोलॉजी मिलेगी। ट्यूसॉन इंडिया में हुंडई की फ्लैगशिप कार है और ये काफ़ी फीचर लोडेड भी है। इसके इंजन से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सकता है। छठे नंबर पर है 2022 टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक लॉन्ग रेंज। एक्सपेक्टेड प्राइस 18,00,000 रुपए एक्स शोरूम। इसका कंपैरिजन कोई नहीं। टाटा मोटर्स इन दिनों नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के अपडेटेड वर्जन पर काम कर रही है, जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसके अपडेट मॉडल में बड़ा बैटरी पैक दिया जा सकता है और इसकी रेंज पहले से बेहतर हो सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट और कुछ नए फीचर भी शामिल किए जा सकते हैं। प्रेजेंट में नेक्सॉन EV में 30.2 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है और इसकी फुल चार्ज में रेंज 312 किलोमीटर की है। सातवें नंबर पर है स्कोडा कुसेक का मोंटे कार्लो एडिशन। एक्सपेक्टेड प्राइस 15,00,000 रुपये एक्स शोरूम। इसका कंपेरिजन हुंडई क्रेटा, फॉक्सवैगन टाइगन और किया सेल्टोस से होगा।
स्कोडा जल्द ही कुसाक एसयूवी का मोंटे कार्लो एडिशन लाने वाली है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट दिए जाएंगे, जिनमें रेड एक्सटीरियर के साथ ब्लैक रूफ, थीम बेस्ड अपहोल्स्ट्री और स्पॉटी ब्लैक डिटेल शामिल होंगे। मोंटे कार्लो एडिशन इसके टॉप मॉडल पर बेस्ड हो सकता है। आठवें नंबर पर है नई टाटा कॉन्सेप्ट ईवी। टाटा मोटर्स 6 अप्रैल को एक नई इलेक्ट्रिक कार के कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाएगी। हाल ही में कंपनी ने इसका एक टीजर भी जारी किया है, जिसमें इसके नए और स्पॉटी रीजन की हल्की सी झलक दिखाई गई है। इस कॉन्सेप्ट के साथ टाटा की नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक कारों की भी झलक देखने को मिल जाएगी। And shape what lies ahead. What if you blur the edge and draw new possibilities? Go beyond and be more. Introducing a brand new electric SUV concept. Discover different. Coming soon. नौवें नंबर पर है BMW i7 और Mercedes-Benz EQS SUV। ऑल इलेक्ट्रिक BMW 7 सीरीज से 20 अप्रैल को पर्दा उठेगा। ये इलेक्ट्रिक कार कंपनी की कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। इसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा होगी। Mercedes 19 अप्रैल को EQS लग्जरी EV से पर्दा उठाएगी। इसकी रेंज भी 600 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसके इंटीरियर में MBUX हाइपर स्क्रीन दी जाएगी, जो डैशबोर्ड की चौड़ाई में फैली हुई होगी। इसके अलावा इसमें ऑप्शनल थर्ड रो सीटें भी मिलेंगी। दोस्तों, ये थी कुछ गाड़ियाँ जो अप्रैल महीने में अनवील होने वाली है और कुछ गाड़ियाँ लॉन्च भी होने वाली है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।